दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरबेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग आर DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए, घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए WhatsApp करें इस नंबर पे 8826676303। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों आज हम जानेंगे जो हमारी साइटिका नर्व है वो किस तरीके से कंप्रेस्ड होती है हमारी जो L4, L5 और L5S1 के लेवल पे, जिससे सीवियर लेग पेन, काफ मसल्स पेन्स, थाइज में, हीप में और हमारे टांगे सुन हो जाना, उंगलियां तथा सुन हो जाना, चल के जाना आना या खड़े होना, ये हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी और ख़ास करके इसमें आप किस तरीके का खान पीन में बदलाव करना चाहिए वो जानकारी दोस्तों मैं आज आपको दूंगा। उसके साथ साथ इधर से आप इंस्टेंटली कैसे आराम पाओगे और किस तरीके से अपनी हिफाजत करोगे कि आपको सर्जरी टेबल तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी अगर सर्जरी होती है तो फिर बार बार आपको वो चीज़ें जीवन भर परेशान करता है। तो पहले जानिए आप इसमें जो खान पीन है उसमें आपको क्या क्या लेनी चाहिए। दोस्तों पहली बात है, जिस खाने में मैग्नीशियम खास करके ज़्यादा हो, यानि मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ में आपको क्या लेनी चाहिए, जैसे डेयरी उत्पाद, मछली, मांस और जैसे आपका समुद्री भोजन, सेब, उसके साथ साथ आपको खुबानी, भूरे रंग की चावल, बीन्स, ये सब कुछ शामिल दोस्तों करनी चाहिए। विटामिन बी, देखो विटामिन बी के बारे 12 के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन B12 जो होता है वो अगर कम रहता है आपके शरीर में तो भी आपके मांसपेशी में दोस्तों लगातार पेन बना रहता है। इसलिए विटामिन B12 से भरपूर भोजन जैसे लीवर हो गया, कस्तूरी हो गई, आपका पनीर हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप खाओगे, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह लोगे, दूध वगैरह दिन में 2 ग्लास लोगे तो आपको सियाटिका तंत्रिका में जो दर्द होती है उसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ ओमेगा जो 3 होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध खाद्य पदार्थ शामिल करें, जिसमें सामन, सैडिन, हेरिंग और मैकरल आदि जो मछलियां होती हैं ये सब शामिल है। अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इसका सेवन जरूर करें, इसको आप जरूर खाएं। विटामिन ए जैसे दूध, पनीर और दही, गाजर, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, नारंगी रंग का फल जैसे आम और खुबानी, उसके साथ साथ मक्खन, अंडे। विटामिन सी फल से विशेष रूप से नींबू और मीठे आलू, गोभी, पालक, ब्रोकली, टमाटर और हरे और पीले रंग के सब्जियां,
ये सब आप ले सकते हो। दोस्तों कई बार मैं देखता हूँ कच्चा टमाटर वगैरह खाने से भी दिक्कत होती है, तो आप वो देख लीजिएगा, क्वांटिटी वगैरह अपना एडजस्ट करिएगा। पर्याप्त पोटेशियम हमारा नर्व सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए आप अपने मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपना जो नर्व सिस्टम को बेहतर करने के लिए, न्यूरो ट्रांसमिशंस को आप ठीक करने के लिए पोटेशियम युक्त खाद्य आपको लेना चाहिए। इसमें आपका सफ़ेद सेम, गहरे हरे साग, आलू, खुबानी, मशरूम, मछली और केले शामिल है। केले में अगर देख लीजिएगा, अगर किसी को कफ वगैरह है तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ आप याद रखें, खट्टा और जो ठंडा चीज़ होता है इसको आप अवॉइड करिए, और जो जंक फूड होता है उसको अवॉइड करिए। इसके साथ साथ स्ट्रेच वाले व्यायाम छोटा छोटा जो मैं आपको पहले वीडियो में डाला हूँ ऑलरेडी, वो सब देख के आप करिएगा। घुटने से छाती तक का स्ट्रेच, शैटिक नस को गति देने वाला स्ट्रेच, पीठ का रफ्तार, खड़े होकर जांघ की स्ट्रेच, इसके साथ साथ आसन में आपको अपानासन, अर्धचंद्रासन, भुजंगासन, ये सब चीज़ें थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ आप प्राणायाम भी करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग भी आपको करनी चाहिए, मगर आपको कपालभाति वगैरह दोस्तों अवॉइड करनी चाहिए। मेडिटेशन कोशिश करो, लेट के हो या बैठ के हो 10 से 15 मिनट जरूर अभ्यास करो। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर ना रहें, और अगर आपको एक्यूट कंडीशन है कमर में बेल्ट बांध के आप थोड़ा चलना घूमना ये सब करें, थोड़ा प्रिकॉशंस लें। बहुत ज़्यादा अगर दोस्तों दर्द होती है तो आप जैसे बताया हूँ हल्दी नमक लहसुन वाली जो सिकाई है उसमें 5 लीटर पानी लेनी होती है, 4-5 कली लहसुन कूट के डाल दो, हल्दी आपका 3-4 इंच का उसमें कच्ची हल्दी मिल जाए तो कूटो और डालो, आधी मुट्ठी नमक डालो जो आपका लावरी नमक होती है, अच्छे से जब उबल जाए उसमें मीडियम साइज का टॉवल डाल के आप उल्टे लेट के रहो, किसी को बोलो, और अच्छे से निचोड़ के उसका जो स्टीम है वो आपका कमर में, हीप में और जहाँ जहाँ दर्द जाता है, थाइज मसल्स, काफ मसल्स वगैरह में अगर दिया जाएगा 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, तो तत्कालीन आपको इसमें लाभ होगा दोस्तों। तो दूसरा है जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैंने कई वीडियो में बताया हूँ, पॉइंट नंबर 9 रिफ्लेक्सोलॉजी का, इसका इस्तेमाल करनी है। कोई एक बंदा आपके लिए ये कर सकता है, इसका वीडियो भी आप लोग मेरा देखिए। जो मेरी किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उसका भी आप हेल्प ले सकते हो, और इसको ऑनलाइन अमेजन से आप खरीद सकते हो, और उसको देख के भी उसमें जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट सारा मैंने बताया हूँ उसका इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 8 आपका, पॉइंट नंबर 9 उसके साथ साथ आपको, 23 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 26 इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 16 ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस का पॉइंट जरूर दबाएं, स्टमक का जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 27 इसका भी एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुनगुना पानी या गर्म पानी जिसे कहते हैं आप थोड़ा थोड़ा हर 1-2 घंटे में पी सकते हो। इसके साथ साथ आप तुलसी का पत्ता साथ ले लीजिए, इलायची एक ले लीजिए, और उसके साथ साथ 2 काली मिर्च ले लें और छोटा टुकड़ा अदरक लेके इसको अच्छे से उबालें। जब पानी आधा रह जाए काढ़े टाइप का आप इसको दिन में 3 बार पिएं, जिससे आपको पेन थोड़ा कम हो। और इसके साथ साथ गरम तेल लगा के, जैसे नारियल का तेल और या फिर सरसों का तेल, सब लगा के आप स्नान कर सकते हैं गर्म पानी से। गर्म पानी में आप नमक वगैरह डाल के भी अगर आप नहाते हो तो भी आपको दर्द कम होगा। इसके साथ साथ नमक, 2 मुट्ठी नमक आप डाल लें आपका बाथ टॉप में, उसमें गर्म पानी भर के आप पूरा कमर, हीप और थाइज को उसमें पूरा डिप करके रखें, और कम से कम 15 मिनट उसमें बैठ के रहें, जिसे कटी स्नान बल के कहा जाता है। ये सब अगर लगातार करोगे दोस्तों आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ जब थोड़ा बेहतर हालत हो जाए तो आप हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह चालू कर लें। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जब एक्यूट कंडीशन में रहते हो, एक बार निकल जाते हो उससे, तो ये मत सोचो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा सोचोगे तो फिर ये बार बार आपको तंग करेगा। कैल्शियम का लेवल और आपका विटामिन D3 वगैरह आपको जांच करनी चाहिए, अगर कम है तो उसको भी आपको पूरा करनी चाहिए, चाहे नेचुरल तरीके से करो या फिर अगर इंस्टेंट ज़रूरत है, एकदम इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा कम है, तो डॉक्टर से सलाह करके परामर्श लेके आप विटामिन D3 कैल्शियम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों टैबलेट के फॉर्म में, तो ये डॉक्टर आपको सलाह देगा क्या करनी है। तो ये था एक छोटा छोटा आपको जानकारी जो आपको
हिफाजत देगा, पेन फ्री कराएगा। याद रखें, आपका मसल जितना टाइट होगा दर्द उतना ज़्यादा होगा। मसल्स में जितना आपका सप्लाई कम होगा एनर्जी और ब्लड की, उतना उसमें स्टिफनेस आएगा, उतना उसमें पेन का ट्रिगर पॉइंट बनेगा, उतना आप परेशान रहोगे। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बनाए रखें, हमेशा स्टीम वगैरह लें जिससे आपको लाभ हो। एक्सरसाइज योगा लगातार आप करते रहें, प्राणायाम और मेडिटेशन वगैरह करते रहें, खान पीन पर पूरा ध्यान दें और गद्दादार जो आपका बेड होता है उसको अवॉइड करें। और सीटिंग जॉब में अगर हो तो फिर एक घंटा आधे घंटे में एक एक बार आप घूमते रहिए, थोड़ा से टहलते रहिए। और मेरी जो चार पांच पहले की वाली वीडियो है, कमर दर्द, सैटिका नर्व वाली पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, लंबर स्पॉन्डलाइटिस, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डलाइटिस जिनको भी है, वो सब भी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं। वो सारा डॉक्टर दरबेश पर्टिकुलर प्रॉब्लम लिखो, कमर दर्द है सब, तो वो आपको शो होगा। आप उसको देख के भी कई चीज़ें सीख सकते हो। इसके साथ साथ जो मेरी नई चैनल है डॉक्टर दरबेश सक्सेस मंत्रा, उसमें मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत सारे फार्मूलाज दिया हूँ, बहुत सारा डिप्रेशन से बचने के लिए फार्मूला दिया हूँ। आप उसको सर्च करिए यूट्यूब में, उसको सब्सक्राइब करिए और उसको देखो, तो उससे आपको अलग अलग कारण से जो डिप्रेसिव मोड में आप जाते हो, अलग अलग कारण से जो आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी यह सब होती है, वो सबसे आप बचोगे। जिससे कि जब माइंड आपका खुश रहेगा, मन अगर आपका अच्छा रहेगा, तो आपको फिजिकल पेन भी दोस्तों कम होगा। इसलिए माइंड और बॉडी का बहुत ही बड़ा घनिष्ठ ताल्लुकात है, आपको दोनों को समझना पड़ेगा। मन को स्थिर रखो, प्रसन्नचित रहो, आनंदित रहो और हर फेल को आराम से ऑब्जर्व कर सको और नई सोच, नई सपनों के साथ नई गति आप पकड़िए, जिससे आपको टारगेट अचीव होना इजी होगा और आपको दर्द भी दोस्तों कम होगा। क्योंकि मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा जिंदगी जियोगे तो मसल्स आपका उतना टाइट हो जाएगा, उतना आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और पेन भी आपको ज़्यादा होगा। इसलिए दोनों के ताल्लुकात को समझें, रिलैक्स्ड रहें। थैंक यू दोस्तों, फिर कोई नई एपिसोड के साथ मिलते हैं। मैं आपका दोस्त, आपको कोई नई जानकारी आपको और प्रोवाइड करूँगा। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।